नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक पुराने समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापारी व्यापार के सिलसिले में वह यात्रा पर निकल जाता है। मार्ग में एक घना वन था जिसे पार कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना था, लेकिन चलते चलते वह बहुत थक गया था। इसलिए एक वृक्ष के तले वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। सुस्ताते हुए उसने प्यास लगने लगी, लेकिन वह पानी लेकर नहीं चला था। वह सोचने लगा, काश मेरे पास थोड़ा पानी होता जिससे मैं अपनी प्यास बुझा पाता। उसके यह सोचते ही एक चमत्कार हुआ और उसके सामने पानी से भरा एक गड्ढा प्रकट हो गया। पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह तृप्त हो गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। वह खुद से बोला, कितना अच्छा होता यदि एक थाल में स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाता, मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलते ही उसी प्रकार चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से सजी एक थाली उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भरकर भोजन किया। उसके बाद उसे नींद आने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा, काश यहाँ एक नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे महसूस होने लगा मानो वह स्वर्ग में है, जहाँ एक के बाद एक उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही है। वह अनभिज्ञ था कि जिस वृक्ष के नीचे वह लेटा हुआ है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक क्लफ वृक्ष है जिसमें सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। वन तो कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ होगा जो किसी भी क्षण वहां आ सकते हैं। ऐसे में तो वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, कहीं से एक खूंखार शेर वहां आ गया। शेर को अपने समक्ष पाकर वह इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग भी नहीं पाया। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य अपने विचारों से गतिमान होता है। सकारात्मक विचार सर्वदा सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।